यहाँ पे उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस तरीके का आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके का ये पूरे के पूरे पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने हैं और इनको इम्प्लीमेंट करना है। इनको इम्प्लीमेंट करने के जो भी तरीके हैं, जो शेफ़ है उनको मैं ट्रेनिंग्स के माध्यम से सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप भी अच्छे से समझ पाओ। जैसे कि सबसे अगर मैं इससे पहला बोलूँ यहाँ पे, कोऑर्डिनेट डेली टास्क विद योर सूस शेफ। आपको अपने जो भी टास्क होते हैं सूस शेफ के साथ कनेक्ट करके करने हैं, क्योंकि सूस शेफ आपका आपका सुपरवाइज़र होता है। वहीं एक और टास्क इसमें रहता है कि आप आपके जो भी जूनियर्स हैं उनसे किस तरीके से आपको काम करवाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस तरीके से टीम के साथ आपको काम करना है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा सीनियर मैनेजमेंट को आपको किस प्रकार से ईमेल लिखना है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद आपको जो भी ड्यूटीज़ असाइन की ही आपके सू शेफ़ के द्वारा नया बुफे रेडी करना है, फूड की कॉस्टिंग निकालनी है, डेली रोटेशंस बनानी है, लोगों की लीव प्लान करनी है, क्या आपको आता है, आधे से ज़्यादा भी इसमें ना बोल देंगे, फूड कॉस्ट के बारे में ही ना बोल देंगे आधे से ज़्यादा DC DP और CDP, ठीक है जी। तो ये हम लोग गलतियाँ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोगों को क्या पूरे के पूरे जो सैनिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में मालूम होता है, जी नहीं, हमें नहीं मालूम होता। 90% अगर CDPs को देख रहे हैं, अगर उनसे कुकिंग के टेम्परेचर भी पूछ लेंगे तो उनको नहीं पता होंगे। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं